लोकसभा चुनाव के हलचल के बीच अब उत्तर प्रदेश समेत अलग अलग प्रदेशों में मतदान होना है, जहां इससे पहले लगातार दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में अपना दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उत्तर प्रदेश की अलग अलग लोकसभा सीटों पर प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपना दम दिखाया। देखिए रिपोर्ट। यूपी में दिखा एमपी के सीएम मोहन यादव का दम। यूपी में यादव वोट बैंक को साधेगी बीजेपी। अखिलेश यादव को टक्कर देंगे सीएम मोहन यादव। उत्तर प्रदेश प्रमुख तौर पर यादव बाहुल्य प्रदेश माना जाता है। यही कारण है कि बीजेपी ने अब की बार यादव वोट बैंक को साधने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को उत्तर प्रदेश में स्टार प्रचारक बनाकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है, जहां यादव अब लगातार अलग अलग जिलों में पहुंचकर जनसभा लेते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे यहाँ मालूम पड़ा कि कई मुस्लिम बंधु भी बैठे हैं, उनकी बड़ी संख्या भी यहाँ मौजूद है, और कई सारे लोगों को, कई दलों को वो जब हमारे साथ दिखाई देते हैं मुस्लिम बंधु, तो किसी का पेट खराब होता है, वो कांग्रेस वाले हैं, समाजवादी वाले हैं, पता नहीं कौन कौन है, पता नहीं उनके मन में क्यों ऐसा आता है। हम तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करें, एक बार वो बलरामपुर से लड़े थे ना, दो बार लड़े थे स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने योग्यता के बलबूते पर अगर राष्ट्रपति भी बनाया तो हमारे अपने मिसाइल मैन कौन थे साहब मिश्रा जी, एपीजे अब्दुल कलाम, जोरदार अभिनंदन करो योग्यता के आधार पर। और जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि कांग्रेस वाले, समाजवादी वाले जितने भी लोग हैं, ये कुछ लोगों को अपने वोट का गुलाम बना के रखना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि इन पे हमारा ही कब्जा रहेगा, इनके हमारे अलावा कोई को देखने नहीं देंगे। मुझे तो लगता है कि कुछ पार्टियों के अपने नाम में भी संशोधन करने की जरूरत है, लेकिन नाम में संशोधन नहीं करें। अब आप बताओ, अंग्रेज चले गए जिन्होंने वर्षों तक इस देश के अंदर फूट डालो और राज करो, देश को जड़ों से काटने का प्रयास किया, देश को लूटने, खसोटने, नोचने का काम किया, और उनका पेट नहीं भरा 1857 की क्रांति के बाद। उनको लगा कि हमको राज करने में जनता के बीच में से अपने कुछ लोग बिठाना पड़ेंगे जो उनकी जय जयकार करे, और उनकी जय जयकार के पीछे वो विदेश की जय जयकार करे। आप उनके लक्षण आज तक दिखाई दे रहे हैं, अंग्रेज चले गए, कांग्रेस छोड़ गए, आज तक वही करते आ रहा है जो कांग्रेजों के टाइम करते आए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है, जहां अखिलेश यादव के इसी प्रभाव को कम करने के लिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सहारा लिया है। उत्तर प्रदेश में यादव वोट बैंक की सत्ता निर्धारण में अहम भूमिका होती है, और यही कारण है कि यादव वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने डॉक्टर मोहन यादव का सहारा लिया है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ बड़ी संख्या में यादव वोट बैंक नजर आता है, जहां अब की बार यादव वोट बैंक बीजेपी अपने साथ लाना चाहती है, और इसी के चलते बीजेपी लगातार यादव वोट बैंक को अपनी ओर लाने के लिए प्रयास कर रही है। चुनाव की बेला में हम हैं, कितने प्रकार के काम, नरेंद्र मोदी का पूरे देश में एक मकान नहीं, लेकिन इस देशवासियों से इतना प्रेम करते कि 4 करोड़ लोगों को घर का पक्का मकान दे रहे हैं, इससे ज्यादा आनंद की बात क्या हो। ये माताएं बहने बैठी, अपनी उनकी परिवार की कोई बहन नहीं लड़ रही चुनाव, लेकिन वो चुनाव लड़ रहे हैं लाडली बहनाओं के लिए, हमारी ड्रोन दीदी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आपका जीवन अच्छा होना चाहिए, और जिस समय भगवान कृष्ण ने अपने जीवन काल में गांव को महत्व दिया, गौ माता को महत्व दिया, खेती को महत्व दिया, बलराम तो आप तो बलरामपुर के जिले वाले हो, जीवन भर हल्का निशान उनको दिखता है, नरेंद्र मोदी भी उनके ही अपने अपने अनुयायी हैं, आज भी किसानों को घर बैठे 6,000 रुपया आपके खाते में दे रहे कि नहीं दे रहे, ये बताइए
यहाँ पहली बार। तो देश की सीमाओं पे जवान और खेत में काम करता किसान दोनों को एक निगाह से देखने का काम अगर किसी ने किया है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, मुझे इस बात की प्रसन्नता। और 5 लाख का बीमा, आप बताए घर में गैस का चूल्हा, अरे रामराज और कृष्णराज में क्या था, कोई व्यक्ति भूखा नहीं मरता था, तो कोई धर्म का बंधन नहीं। लेकिन जो घर में है वो प्रत्येक के घर में गेहूं चावल राशन की दुकान का बगैर शुल्क का सामान आता कि नहीं आता अपने पास, ये होनी चाहिए सरकार। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के हलचल के बीच अब उत्तर प्रदेश समेत अलग अलग प्रदेशों में मतदान होना है, जहां इससे पहले लगातार दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में अपना दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।